फोटो भैया ले रहे हैं जी, खोल कर हम ले लेंगे आप। किसी ने कहा पकड़वा शादी, किसी ने कहा दूल्हा दुल्हन को भगा कर ले गया। सच्चाई क्या है आज क्राइम तक बताएगा। अजब शादी, गजब शादी, यह है एक ऐसी शादी जिसके बारे में आपने ना कभी सुना होगा और ना कभी सोचा होगा। दुल्हन हाँ करती है तो दूल्हा मना कर देता है, और अगर दूल्हा शादी के लिए राजी होता है तो दुल्हन इनकार कर देती है। यहाँ पर लड़की का कहना है कि वो लड़के के साथ 6 महीने से रिलेशनशिप में रह रही है, वहीं लड़का कह रहा है कि वो लड़की को सिर्फ 2 दिन से जानता है। ये रिलेशनशिप में है कितने साल से? 6 मंथली से है। कह रहे हैं 2 दिन पहले मिले आप, ये तो गलत कर रहे हैं ना। पहले बोल रहे हैं ये और आप कह रहे हैं कि 2 दिन पहले? नहीं, गलत है, गलत हमेशा गलत होता है और सत्य की विजय होती है। तो देखा आपने कैसे दुल्हन और दूल्हा अलग अलग बात कह रहे हैं। अब कौन सच्चा और कौन झूठा, ये तो सवाल बना हुआ है। अब ये क्या कोई पकड़ुआ शादी है या फिर इसमें कोई लड़का खेल कर रहा है? इन सब जवाबों के लिए बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि वीडियो के अंत तक हम आपको इस अजब गजब शादी की पूरी सच्चाई बता देंगे। दूल्हे का नाम रिंटू कुमार है, ये राजस्व कर्मी है और ये बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है। वहीं दुल्हन का नाम रानी चंद्र प्रभा और ये समस्तीपुर की रहने वाली है। दरअसल कुछ समय पहले रानी की बहन की शादी बेगूसराय में हुई थी, जिसके बाद से इसका बेगूसराय आने जाने लगा। यहाँ इसकी मुलाकात रिंटू कुमार से हुई। शुरुआत में दोनों में दोस्ती हुई और फिर बहुत ही जल्द दोस्ती प्यार में बदल गई। 6 महीने पहले दोनों रिलेशनशिप में आए थे। इस दौरान रानी ने रिंटू से शादी के बारे में पूछा तो रिंटू शादी के लिए राजी हो गया, लेकिन फिर बाद में शादी से इनकार करने लगा, जिसके बाद 27 मार्च को रानी अपने घर से गायब हो जाती है। परिजनों के काफी ढूंढने पर उसका कुछ पता नहीं चलता, जिसके बाद रानी के घर वाले पुलिस में लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन पुलिस लड़की को ढूंढने में नाकाम रहती है। लेकिन फिर 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना लड़की वालों ने नहीं की होगी। दरअसल रानी रिंटू कुमार के साथ समस्तीपुर के विभूतिपुर पहुंच जाती है। इसके बाद लड़की ने अपने घर वालों से कहा, मैं दूल्हे को ले आई हूँ, अब मेरी शादी करा दो। जिसके बाद लड़की के परिजनों ने दोनों को प्रेमी जोड़ा बताकर राजस्व कर्मी रिंटू कुमार और रानी चंद्र प्रभा की मंदिर में शादी करवा दी। अब इस मामले में दूल्हे का कहना है कि वो दुल्हन को नहीं जानता और ना ही उससे प्यार करता, वो तो सिर्फ उससे 2 दिन पहले ही मिला है। मोबाइल नंबर पहले से इनके पास था, यही जानेंगे किस तरह उपलब्ध किया मोबाइल। रिंटू कुमार ने कहा चाय पीने के बहाने उसको विभूतिपुर बुलाया गया था और वहाँ उसकी जबरन शादी करवा दी। वहीं रानी ने कहा बच्चे थोड़ी हैं रिंटू, जो चाय के बहाने उनकी जबरन शादी हो जाएगी। दुल्हन और दूल्हे के अलग अलग बयानों के बाद ये मामला पुलिस के पास पहुंचा, जहां पर पुलिस ने लड़की पक्ष की बात सुनी और रानी को रिंटू कुमार के साथ बेगूसराय के लिए विदा कर दिया। फिलहाल दोनों बेगूसराय में रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।